कहते हैं कि जहां माँ नैना देवी की महिमा अपरंपार है, वहीं पर भक्तों की भक्ति भी अनूठी है। इस अनूठी भक्ति की कई उदाहरण आजकल श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान माता श्री नैना देवी के दरबार में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी भक्ति जिसे आप भी सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगे। पंजाब के विभिन्न शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग श्रद्धालु जहां पर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए माँ के दरबार में आते हैं, पेट के बल लेटकर माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु झंडे लेकर, बड़े बड़े झंडे लेकर माता के दरबार में पहुँचते हैं, माँ भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हालांकि ऐसा ही एक श्रद्धालु जो लगभग 110 किलोमीटर पैदल पंजाब के समराला से चलकर माँ के दरबार में पहुँचा, हालांकि पैरों में पट्टी बंधी थी लेकिन चेहरे पर थकान की कोई लकीर नजर नहीं आई। चेहरे पर मुस्कान और मुख से मां के जयकारे, ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस श्रद्धालु का नाम रमनदीप है, जो कि समराला का रहने वाला है और शहर से लगभग 110 किलोमीटर का लंबा सफर 36 घंटे में पूरा करके ये माता के दरबार में श्रवण मेले के दौरान हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा। इसका कहना था कि माता नैना देवी उन्हें शक्ति प्रदान करती है इस प्रकार की कठिन यात्रा करने के लिए। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का जत्था, जो कि पंजाब के मूलापुर से पेट के बल लेटकर मां के दरबार पहुंचा, उनमें पंजाब के गांव से आए थे। उनका कहना था कि लगभग 50 वर्षों से इसी तरह से पेट के बल चलकर झंडा लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं, मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा ही एक दल पंजाब के रामपुरा फुल क्षेत्र से आया, जो कि बड़े बड़े दो झंडे लेकर माता के दरबार में पहुंचे और माता का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि माता रानी की कृपा से वे कई वर्षों से प्राचीन परंपराओं के मुताबिक झंडे लेकर यहां पहुंचते हैं। पहले बुजुर्ग आते थे और अब वे आ रहे हैं, तो ऐसी मान्यताएं हैं और जिनको लेकर वे वहां पे पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर आनंदपुर साहिब से नैना देवी खस्ता हाल सड़क जल्द बनकर तैयार होगी और इसके लिए पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और पंजाब सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए यह एक सौगात है। बरसात के तुरंत बाद इसका कार्य शुरू होगा। ये बात श्रावण अष्टमी मेला दौरान नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के उपरांत पंजाब के लोक निर्माण विभाग मंत्री विजेंद्र सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। इससे पहले विजेंद्र सिंगला ने अपने परिवार सहित माता श्री नैना देवी के दर्शन किए, माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी खस्ताहाल सड़क है, पंजाब एरिया में जो आती है उस पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। लेकिन उसका कार्य कुछ कारणों से रुक गया था, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार ने इस सड़क के लिए अलग से 25 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर भारत सरकार इस सड़क का कार्य नहीं कर पाती है तो पंजाब सरकार इस सड़क का कार्य करवाएगी और आनंदपुर साहिब श्रद्धालुओं के लिए और नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बढ़िया सड़क बनाकर देंगे, जो कि श्रद्धालुओं के लिए पंजाब सरकार की एक सौगात होगी। उन्होंने कहा कि माता नैना देवी के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, बचपन से ही वे माता के दरबार में आते रहे हैं और माता जी की पूजा अर्चना करते रहे हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी बिनी दीमान और मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने उन्हें माता की चुनरी और फोटो भेंट की। उनके साथ मंदिर अधिकारी हसन चंद और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव आदित्य गौतम भी मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार, जहां प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी गाय के गोबर से होने वाली प्राकृतिक खेती के महत्व को जानते हैं और स्मेश पेपर किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील करते आए हैं। वहीं सरकार के खुशहाल किसान के सपने को साकार करने का काम किया है। बिलासपुर के विचित्र सिंह ने वही सरकार के खुशहाल किसान के सपने को साकार करने का काम किया है। बिलासपुर के विचित्र सिंह ने
जी हाँ, बिलासपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव कसहोल के रहने वाले विजेंद्र सिंह एक निजी स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और पिछले 3 सालों से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। जबकि सितंबर 2018 में झांसी में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद विचित्र सिंह ने अकेले ही इसकी शुरुआत अपने गांव में की और किसानों को जागरूक करने का काम भी किया और नतीजे सामने आने के बाद देखते ही देखते 25 से 30 स्थानीय किसान इस खेती से जुड़ते चले गए। आज विजेंद्र सिंह लगभग 16 बीघा जमीन पर शून्य बजट प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहां उन्होंने सूरजमुखी व मक्की सहित कई तरह की सब्जियां और हर्बल के क्षेत्र में अश्वगंधा, कालमेघ और अर्करा जैसी जड़ी बूटियां उगाने का काम कर रहे हैं। वहीं शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जानकारी देते हुए विजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने एक देसी गाय के गोबर व गौमूत्र से घना अमृत और जीवा अमृत सहित नीम स्तर रह स्तर तैयार करने की खेती कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से शून्य बजट प्राकृतिक खेती करने और रासायनिक खेती को छोड़ने की अपील की है, ताकि मिलावटी सब्जियों से छुटकारा मिल सके और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। लोग पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर सदर भाजपा मंडल के द्वारा सदर मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मंडी के सरी मंच पर पटाखे, आतिशबाजी जलाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा विजय रैली का आयोजन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बल्लभ महाविद्यालय से लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच तक विजय रैली निकाली।